ಅನುದಿನಾ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ಯೆಸ್ ಸರ್ ಯೆಸ್ ಟೀಚರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ अस्सलामु अलैकुम। मैं मकसूदा शाहीन मौलिमा बीबी रज़ा गर्ल्स हाई स्कूल कलबुर्गी संवेदा ई लर्निंग क्लास में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। जमात दहम मज़मून साइंस आज पढ़ते हैं। तो बच्चों देखिए, जब आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहाँ पर आपकी कोई पसंदीदा चीज़ दिखाई देती है तो आप क्या करते हैं, इस तस्वीर में देखिए। बिल्कुल सही कहा आपने, उस चीज़ को हासिल करने के लिए फौरन दौड़ कर लेते हैं। इस तस्वीर को गौर से देखिए, यहाँ पर जब तेज़ रोशनी हमारी आँखों पर पड़ती है तो हम क्या करते हैं। बिल्कुल सही कहा जवाब बच्चों आपने, जब तेज़ रोशनी हमारी आँखों पर पड़ती है तो हमारी आँखें बंद करते हैं और आँखों के सामने अपना हाथ लाते हैं। यहाँ पर तेज़ रोशनी का मैसेज कहाँ गया होगा, दिमाग को। बिल्कुल, दिमाग ने किसको मैसेज दिया हरकत के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने, हाथ को। दिमाग हमारे जिस्म को क्या कर रहा है, बिल्कुल सही कहा बच्चों आपने, कंट्रोल कर रहा है। हम अब बच्चों सोचिए, हम अपने आतराफ रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म के हरकात को देखते हैं। जैसे इस तस्वीर में देखिए आप, किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो हम क्या करते हैं। बिल्कुल सही कहा जवाब बच्चों आपने, फौरन हम अपना हाथ हटा लेते हैं। इसी तरह इस तस्वीर को देखिए आप, यहाँ पर हम किसी कांटे पर हाथ रखते हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पर फौरन अपना हाथ हटा लेते हैं। यानी किसी गर्म चीज़ को छूना या किसी कांटे को छूना, जिसका मैसेज दिमाग को पहुंचना, जिसकी वजह से हम अपना हाथ फौरी हटाना, एक किस्म का हमारे पास तालमेल हो रहा है जिसको हम आहंगी कहते हैं। तो आज हम सबक पढ़ेंगे कंट्रोल और हम आहंगी, जिसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं। इस सबक को 3 यूनिट में तकसीम किया गया है। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 1, जिसके तदरीसी अहम नुकात, जिसमें हम पढ़ेंगे तारीफ में मिसाल, जानवरों में कंट्रोल और हम आहंगी, रिसेप्टर्स, न्यूरॉन की साख्त, न्यूरॉन के हिस्सों के अफ़आल, अज़वीय माहौल के लिहाज से रद्द अमल और माकूसी कॉज। तो बच्चों आज हम सबक ये पढ़ रहे कंट्रोल और हम आहंगी, जिस्मानी तंजीम के मुख्तलिफ आमाल के तहत होने वाली तब्दीलियों के रद्द अमल के तौर पर रख रखाव का अमल कंट्रोल और हम आहंगी कहलाता है। माहौल में होने वाली तब्दीली मोहरिक कहलाती है, मोहरिक के लिहाज से होने वाली हरकत रद्द अमल कहलाती है। आइए इसको हम एक मिसाल के ज़रिए समझते हैं। मिसाल, चूहे के पीछे बिल्ली का दौड़ना। इस मिसाल में हमने क्या देखा, इस मिसाल में बिल्ली को चूहा दिखाई देना मोहरिक यानी स्टिमुलस, और चूहे को देखते ही फौरन उसे पकड़ने के लिए बिल्ली का दौड़ना रद्द अमल यानी रेस्पॉन्स कहलाता है। आइए बच्चों, जानवरों में कंट्रोल और हम आहंगी किन निज़ाम के ज़रिए अंजाम दिया जाता है।
जानदारों में कंट्रोल और हम आहंगी दो अहम निज़ाम के ज़रिए अंजाम दिया जाता है, जिसमें असबी निज़ाम यानि नर्वस सिस्टम। असबी निज़ाम दिमाग, नखाई डोर और आसाब पर मुश्तमिल है। इस तस्वीर में देखिए आप, येलो कलर में जो दिखाई दे रहा, दिमाग, नखाई डोर और आसाब। असबी निज़ाम में कंट्रोल और हम आहंगी असबी और उजलाती बाफ्तों के ज़रिए अंजाम दिया जाता है। और एक निज़ाम जिसमें इंडोक्राइन निज़ाम यानी इंडोक्राइन सिस्टम। इतलाती तरसील गुदूद के ज़रिए हार्मोन को बग़ैर नालियों बराह रास्त खून में शामिल करना इंडोक्राइन निज़ाम कहलाता है। यानी जानदारों में दो अहम निज़ाम, असबी निज़ाम और इंडोक्राइन निज़ाम के ज़रिए काम अमल में अंजाम दिया जाता है, जिसको हम एक मिसाल के ज़रिए समझते हैं। रास्ते पर एक आवारा कुत्ता जब एक लड़के पर हमला करता है तो लड़का डर जाता है और बचने के लिए नामवाफिक हालात को जिस्म दौड़ने के लिए तैयार करता है। इस मिसाल में लड़के के जिस्म का असबी निज़ाम सिर्फ बरखी हिजान के ज़रिए उसको सिग्नल मिला तो आइंदा काम करने के लिए जिन बाफ्तों को तैयार रहने का हुक्म दिया गया तो गुदूद से कीमियाई सिग्नल खून में शामिल होकर जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुंचता है और लड़का दौड़ने लगता है। इस तरह असबी निज़ाम और इंडोक्राइन निज़ाम के ज़रिए कंट्रोल और हम आहंगी होती है। तो ये इतलात हम किस तरह महसूस कर सकते हैं? तो रिसेप्टर्स असबी खलियों के ऐसे मखसूस सिरे हैं जो माहौल से मालूमात या इतलात को महसूस करते हैं, रिसेप्टर्स कहलाते हैं। ये रिसेप्टर्स हमारे हिस्से आज़ा में मौजूद होते हैं। हिस्से आज़ा यानी सेंस ऑर्गन वो मखसूस आज़ा हैं जिनके ज़रिए हम माहौल की अशिया को महसूस करते हैं या माहौल में होने वाली तब्दीलियों को समझते हैं, हिस्से आज़ा कहलाते हैं। तो बच्चों बताइए, हिस्से आज़ा कितने हैं? हिस्से आज़ा 5 हैं। कौन कौन से हैं बताइए? आँख, नाक, कान, ज़ुबान और जिल्द। बिल्कुल सही कहा आपने। रिसेप्टर्स हिस्से आज़ा में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं देखेंगे। फोनोरिसेप्टर्स, फोटोरिसेप्टर्स, थर्मोरिसेप्टर्स, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, गेस्टेटरी रिसेप्टर्स। फोनोरिसेप्टर्स अंदरूनी कान में पाए जाते हैं, जिनका काम है सुनना, जिस्म का तवाजुन रखना। फोटोरिसेप्टर्स आँखों में पाए जाते हैं, जिनका काम है देखना। थर्मोरिसेप्टर्स जिल्द में पाए जाते हैं, जिनका काम है दर्द, लेम्स, हरारत को महसूस करना। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स नाक में पाए जाते हैं, जो बू की शनाख्त करते हैं। गेस्टेटरी रिसेप्टर्स ज़ुबान में पाए जाते हैं, जो जायके की शनाख्त करते हैं। आइए हम इनके अफ़आल को देखते हैं। आवाज़ की लहरें कान के पर्दे पर पड़ती हैं तो कान के पर्दे पर इर्तआश होता है, फिर वस्ती कान से अंदरूनी कान में मुंतकिल होता है। फोनोरिसेप्टर्स आवाज़ की लहरों को जज्ब करके समाई असब के दिमाग के समाई मरकज तक ले जाते हैं, वहाँ उन लहरों की तशरीह होती है, तब हमको आवाज़ सुनाई देती है। फोटोरिसेप्टर्स रॉड्स और कोन्स में पाए जाते हैं, किसी शय को देखने के लिए रोशनी की ज़रूरत होती है। आँख के 3 अहम परतें हैं, जिसमें अंदरूनी परत पर्दा शबकिया में रॉड्स और कोन्स पाए जाते हैं। रॉड्स धीमी रोशनी के हिस्सास होते हैं, जो रंगों में फ़र्क नहीं कर सकते। जैसे अंधेरा होता है तो हम सही तौर पर किसी की शनाख्त या सही तौर पर किसी कलर को
की वजाहत नहीं कर सकते। उसी तरह कोन्स तेज़ रोशनी के हिस्सास होते हैं जो रंगों में फ़र्क कर सकते हैं, यानी सुबह के वक्त या रोशनी में हम आसानी से कलर की शनाख्त सही तौर पर कर सकते हैं। रॉड्स और कोन्स नूरी कीमियाई अमल से बर्फ़ी लहरों में तब्दील करके बसरी रग के ज़रिए गुजरकर दिमाग के बसारती मरकज को पहुंचता है और तशरीह होती है, नतीजे में कोई शय देख सकते हैं। थर्मोरिसेप्टर्स जिल्द की सतह के करीब होते हैं जो फौरी तौर पर सर्दी या हरारत को महसूस करते हैं। यानी सर्दी होती है तो हम किस तरह से महसूस कर रहे, तो हमारे पास जिल्द फौरी तौर पर दिमाग को मैसेज मिलता है थर्मोरिसेप्टर्स के ज़रिए, तो हम अपने हाथों को या अपने पैरों को हरकत होती है जिसकी वजह से हम सर्दी महसूस करते हैं और फौरी स्वेटर पहन लेते हैं। गर्मी होती है तो हमारी थर्मोरिसेप्टर्स क्या करते हैं, दिमाग को मैसेज देते हैं जिसकी वजह से पसीना आता है, तब हम गर्मी को महसूस करते हैं। नेक्स्ट ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स नाक के जोफ में एपिथीलियम की अस्तरकारी होती है जो अच्छी या ख़राब बू ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स महसूस करके लोआब में हल होते हैं और कीमियाई सिग्नल को बर्फ़ी लहरों में तब्दील करके दिमाग के बू वाले मरकज तक ले जाते हैं। तशरीह होती है तब शनाख्त होती है। उसी तरह गेस्टेटरी रिसेप्टर्स जायके के जुबान में शगुफे की सूरत में पाए जाते हैं जो मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वे को महसूस करते हैं। ये रिसेप्टर्स कहाँ पर पाए जाते हैं, तो असबी निज़ाम के असबी खलिया यानी न्यूरॉन के डेंड्राइट के सरों पर पाए जाते हैं। न्यूरॉन की साख्त जिसमें हम असबी खलिया यानी असबी निज़ाम की साख्ती और फेली इकाई होती है। असबी निज़ाम की साख्ती और फेली इकाई होती है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन जिसमें न्यूरॉन के हिस्से कुलवी जिस्म, डेंड्राइड, एक्सॉन, असबी सिरा। आइए इसको एक एक करके समझते हैं। कुलवी जिस्म न्यूरॉन का वो हिस्सा जिसमें मरकज़ा होता है कुलवी जिस्म कहलाता है। डेंड्राइड कुलवी जिस्म से बहुत सारे रेशेदार साख्तें निकली हुई होती हैं जिनको हम डेंड्राइड कहते हैं। एक्सिन या एक्सॉन डेंड्राइड का एक सबसे ज़्यादा लंबा रेशा होता है जिसको हम एक्सॉन या एक्सिन कहलाता है। असबी सिरा एक्सॉन का आखिरी हिस्सा होता है। मुआनिका यानी एक न्यूरॉन का असबी सिरा और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के दरमियान बहुत ही कम जगह होती है, उसको हम मुआनिका कहते हैं। इसी तरह उसके अफ़आल देखते हैं, न्यूरॉन के हिस्सों के अफ़आल। डेंड्राइट ये हिजान को हासिल करता है। कुलवे जिस्म इतलाआत बर्फी हिजान के तौर पर सफ़र करती हैं। एक्सिन ये हिजान को कुलवी जिस्म से दूर यानि न्यूरॉन के दूसरे डेंड्राइट तक ले जाता है। मुआनिका एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पैगामात मुंतकिल होते हैं। असबी सिरा पैगामात असबी सिरे से दूसरे डेंड्राइट तक पहुंचते हैं। एक असबी सिरे में बर्फी पैगामात कीमियाई पैगामात पैदा करते हैं जो मुआनिका से गुजरकर डेंड्राइट तक पहुंचते हैं। ये पैगामात
एक ही सिमत में मुंतकिल होते हैं, यानी डेंड्राइट से कुलवे जिस्म, कुलवे जिस्म से एक्सॉन, एक्सॉन से अजबी सिरा, अजबी सिरे से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट तक पहुंचते हैं। इसी तरह मैसेजेस पूरा हर न्यूरॉन में पहुंचते हैं। तो यहाँ पर अस्बी बाफ्त, अस्बी खलियों यानी न्यूरॉन्स का मुनज़िम नेटवर्क होता है जो इत्तलात को बरकी हिजान के जरिए एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ले जाते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बरकी हिजानात कुलवे जिस्म से होते हुए एक्सॉन तक, एक्सॉन से फिर दूसरे न्यूरॉन तक। माहौल अजवी माहौल के लिहाज से तीन किस्म के रद्द अमल को जाहिर करते हैं। नंबर एक, इख्तियारी रद्द अमल, ऐसे हरकात जो अजवियों के इख्तियार में हों, जैसे हम कहीं जाना है तभी हम चलते हैं, हमको खेलना है तभी हम दौड़ते हैं, हमको भूख लगती है तभी हम खाना खाते हैं। इसी तरह के कई हरकात हैं जो हमारे इख्तियार में होते हैं। दूसरा है गैर इख्तियारी रद्द अमल, ऐसे हरकात जो अजवियों के इख्तियार में नहीं होते। मिसाल दिल की धड़कन, यानी जब से हम पैदा हुए हैं तब तक हमारी सांस है, जब तक हमारा दिल धड़कता रहता है। हम चाहेंगे तो भी एक मिनट के लिए या एक सेकंड के लिए भी हम अपने दिल को रोक नहीं सकते। बिल्कुल उसी तरह अम्ले हाजमा, जब भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, तो एंजाइम्स के ज़रिए हमारी ग़िज़ा हज़म होती है। उसी तरह तीसरी हरकत माकूस हरकत, माहौल में तब्दीली के लिहाज से अचानक किया जाने वाला रद्द अमल माकूस हरकत कहलाता है। मिसाल के तौर पर सांप को देखते ही पीछे हटना, इसी तरह के कई मिसालें दी जा सकती हैं। गर्म चीज़ को छूते ही फौरी अपना हाथ हटा लेना, किसी कांटे पर अपना पैर रखते हैं तो फौरी अपना पैर हटा लेना। यहाँ पर माकूस खौस, माकूस हरकत के दौरान बरकी इत्तलात जिस रास्ते से गुजरते हैं माकूसी खौस कहलाता है, ये मुकम्मल अमल होता है। आइए एक मिसाल के ज़रिए समझते हैं। जब किसी गर्म चीज़ पर अपना हाथ रखते हैं तो हम अपना भारी हाथ हटा लेते हैं, तो यहाँ पर रिसेप्टर्स हमारे हिस्सी असब से नखाई डोर तक ले जाते हैं, फिर नखाई डोर से मोटर असब तक, फिर मोटर असब से फिर इफेक्टर तक। हिस्सी असब और मोटर असब को जोड़ने का काम हमारा रिले असब है। हिस्सी असब इत्तलात को रिसेप्टर से नखाई डोर तक ले जाते हैं, मोटर असब इत्तलात को नखाई डोर से इफेक्टर यानि उजलात तक ले आते हैं। रिले असब इन दोनों के दरमियान काम करते हैं। यहाँ पर माकूस हरकत में दिमाग पैगामात और रद्द अमल से सिर्फ आगाह रहता है, लेकिन रद्द अमल करने में दिमाग का कोई किरदार नहीं होता। आइए बच्चों, अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसके लिए कुछ सवालात आपसे पूछे जाएंगे, उसके जवाबात सही सही तौर पर सोच कर दीजिए। पहला सवाल, माहौल में होने वाली तब्दीलियाँ जिसके तहत जानदार अजसाम जवाबी अमल जाहिर करते हैं डैश कहलाती हैं। चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं आपको, ए रद्द अमल, बी मुहरिक, सी मौसिल, डी तासुरी। सोच कर बोलिए बच्चों, सही जवाब दीजिए। बिल्कुल सही कहा आपने, बी मोहरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जानदारों में कंट्रोल और हम आहंगी डैश और डैश के जरिए अंजाम दिया जाता है। चार ऑप्शन जिसमें ए अस्बी निज़ाम और इंडोक्राइन निज़ाम, बी हड्डी और उजलाती बाफ्त, सी अस्बी निज़ाम और हाजमा निज़ाम, डी इस्तेखराजी निज़ाम और इंडोक्राइन निज़ाम। सोच कर बोलिए बच्चों, सोचिए। बिल्कुल सही कहा आपने, अस्बी निज़ाम और इंडोक्राइन निज़ाम, यानी जानदारों में कंट्रोल और हम आहंगी अस्बी निज़ाम और इंडोक्राइन निज़ाम के ज़रिए अंजाम दी जाती है। अस्बी निज़ाम जो दिमाग, नखाई डोर और आसाब पढ़े थे ना आपने, इंडोक्राइन निज़ाम जो गुदूद पर मुश्तमिल है, जो डायरेक्ट हार्मोन खून में शामिल होकर हमारे जिस्म तक पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्बी खलियों के ऐसे मखसूस सिरे जो माहौल से मालूमात या इत्तलात को महसूस करते हैं डैश कहलाते हैं। चार ऑप्शंस, ए रिसेप्टर्स, बी नेफ्रॉन, सी असब, डी हार्मोन। बोलिए बच्चों सोचकर। बिल्कुल सही कहा आपने, रिसेप्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैयार हैं? जिल्द की सतह के करीब डैश होते हैं जो फौरी तौर पर सर्दी या गर्मी या फिर आप हरारत भी कह सकते हैं महसूस करते हैं। चार ऑप्शंस, फोनोरिसेप्टर्स, फोटोरिसेप्टर्स, थर्मोरिसेप्टर्स, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। सोच कर बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने, थर्मो रिसेप्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, न्यूरॉन के खुलवी जिस्म से निकलने वाला लंबा रेशा डैश कहलाता है। ए खुलवी जिस्म, बी डेंड्राइट, सी अस्पी सिरा, डी एक्सिन। सोच कर बताइए। बिल्कुल सही, एक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो आसाब के दरमियान खाली जगह डैश कहलाती है। ए डेंड्राइट, बी मुआनिखा, सी एक्सिन, डी हिजान। सोचिए। बिल्कुल सही कहा जवाब बच्चों आपने, बी मुआनिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माहौल में तब्दीली के लिहाज से अचानक किया जाने वाला रद्द अमल डैश कहलाता है। ए माकूस हरकत, बी माकूस खौस, सी इख्तियारी रद्द अमल, डी गैर इख्तियारी रद्द अमल। बताइए इन चारों में कौन सा जवाब सही है। बिल्कुल सही कहा आपने, ए माकूस हरकत। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, सवाल नंबर 8, अस्बी निज़ाम पैगामात की तरसील के लिए डैश का इस्तेमाल करता है। ए कीमियाई सिग्नल, बी बरखी हिजान, सी इंसुलिन, डी थायरॉक्सिन। वेरी गुड, बी बरखी हिजान। ये बरखी हिजानात हमारे दिमाग तक पहुंचते हैं जिसकी वजह से हमको फिर वापस मैसेज मिलता है, जिसकी वजह से हम आसानी से हरकत कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इतलात को रिसेप्टर से नखाई डोर तक ले जाते हैं। ए मोटर असब, बी हिस्सी असब, सी रिले असब, डी इनमें से कोई नहीं। सोच कर जवाब दीजिए बच्चों। बिल्कुल सही कहा आपने, हिस्सी असब। अब और गौर से सोचिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्ब ज़ैल शक्ल में
सफ़र करने वाले हिजांद की सही सिमत बतलाइए। इस शक्ल में देखिए डेंड्राइट, खुलवे जिस्म, एक्सॉन और अस्विसरा है, आपको पता है, लेकिन इसको हम अल्फ़ाबेट से देखेंगे। अल्फ़ाबेट में डेंड्राइट को पी नाम दिया गया है, अस्विसरे को क्यू दिया गया है, खुलवे जिस्म आर है और एक्सिन एस है। अब आपको चार ऑप्शंस दिए जाते हैं इसमें, जिसमें ए, क्यू, एस, आर और पी, इनकी सिम्त क्यू एस आर पी। फिर नेक्स्ट बी में पी क्यू आर एस दिया गया है, सी एस आर क्यू पी। नेक्स्ट डी में पी आर एस और क्यू। अल्फ़ाबेट को अरेंज मत कीजिए, वहाँ पर हिजानात किस तरह से सफ़र कर रहे हैं वहाँ नाम देखकर, अल्फ़ाबेट देखकर सही जवाब दीजिए। सोचिए, बिल्कुल सही कहा आपने, पी आर एस क्यू यानी डेंड्राइट से खुलवे जिस्म पर, खुलवे जिस्म से एक्सॉन, एक्सिन से अस्विसरे तक बर्फ़ हिजानात सफ़र करते हैं। तो आइए होमवर्क लिखिए, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए और उसके सही जवाबात लिखिए। पहला सवाल, कंट्रोल और हम आहंगी किसे कहते हैं, मिसाल के ज़रिए लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है आपको, न्यूरॉन की शक्ल उतारिए और उसकी साख्त की वजाहत कीजिए, यानी उसके पूरे हिस्सों के नाम लिखकर जुमले के साथ लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, माकूसी कॉस क्या है, उसका डेफिनेशन पूरी तरह से लिखिए और फ्लो चार्ट की मदद से पूरा उसका एक्सप्लेन कीजिए यानी वजाहत कीजिए। ये तमाम जवाबात लिखकर आपके सब्जेक्ट टीचर से करेक्शन करा लीजिए। थैंकिंग यू, कमिंग सून नेक्स्ट वीडियो लेसन।